और अब ज्योतिराय सिंधिया ने दे दिया राहुल गांधी को करारा जवाब और यह भी कह दिया इतना अहंकार मत करिए। क्यों जवाब दिया मैं आपको बता दूं, शुरुआत हो गई थी राहुल गांधी के बार से, जो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था अडानी के नाम पर और ये सीधे निशाने पर लिया गया था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को, उनमें सिंधिया भी शामिल थे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। लेकिन अब ज्योतिराय सिंधिया ने भी अपने तरीके से राहुल गांधी को जवाब दे दिया और अहंकार की याद दिला दी। ज्योतिराय सिंधिया ने भी ट्वीट किए, पलटवार किया और ट्वीट में लिख दिया कि आप तो सिर्फ ट्रोल तक ही सीमित रह गए हैं, और साथ ही साथ तीन सवाल भी कर लिए, जवाब तो दिया सवाल भी कर लिए राहुल गांधी से कि आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी को लेकर जो ट्वीट किया और उन्होंने सवाल जो किए वो प्रमुखता से तीन क्या सवाल, मैं आपको बता दूं। पहला सवाल में उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग का आपने अपमान किया, उस पर माफी क्यों नहीं मांगते। सावरकर का भी उल्लेख किया गया, वीर सावरकर का इस ट्वीट में, और ये कहा कि देश सेवक के लिए इतना अपमान, देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार क्यों। फिर आगे वो ये भी लिखते हैं इस तरीके से कि कांग्रेस जिस न्यायालय का सदैव जो है न्यायालय को लेकर सवाल उठाती रही है, उस पर अपने स्वार्थ के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं। फिर वो ट्वीट में लिखते हैं ज्योतिराय सिंधिया सीधे अहंकार पर राहुल गांधी के, वो ये भी कह देते हैं कि आप जो हैं आप अहंकार से ग्रस्त हैं, सवालों की महत्ता को आप समझ नहीं पाते हैं। जवाब राहुल गांधी क्या देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्योतिराय सिंधिया ने जमकर खेल लिया। शुरुआत क्यों हुई थी ये भी आपको बता दूं, हाल में ज्योतिराय सिंधिया ने कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया था, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर उन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बाद कांग्रेस जो है एकदम तेजी से सक्रिय हुई और कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर खुद राहुल गांधी भी इस जंग के मैदान में कूदे और ज्योतिराय सिंधिया को घेरना शुरू कर दिया। ज्योतिराय सिंधिया की आप बात करेंगे, कांग्रेस में जब तक थे राहुल गांधी काफी करीबी माने जाते थे, बीजेपी में आ गए सिंधिया, और उसके बाद सिंधिया जो है वो कभी भी खुलकर जिसे कहते हैं आक्रामक तरीके से बचते रहे कि कांग्रेस पर कुछ बोले या राहुल गांधी पर कुछ बोले, जो उनका एक राजनीति में सादगी भरा अंदाज है, वो कभी आक्रामक नहीं हुए ज्योतिराय सिंधिया। लेकिन चूंकि शुरुआत कांग्रेस ने भी घेरा, अब सिंधिया भी जो है जवाब दे रहे हैं उसी अंदाज में, इसलिए जो ट्वीट किया उसमें सवाल कर लिए राहुल गांधी से उन्होंने और जवाब भी मांग लिया कि आप जवाब दे दीजिए इन चीजों का, मुझको झूठा कहने के लिए, बेबुनियाद बातें करने के लिए। दरअसल देश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिराय सिंधिया है, राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में ज्योतिराय सिंधिया को ले रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता ले रहे हैं। लेकिन अब ज्योतिराय सिंधिया भी अपने ही अंदाज में कांग्रेस को वैसा ही जवाब दे रहे हैं, आप देखते रहें।